हेलो एवरीवन, आई एम नदीम अहमद फ्रॉम सर कलाम पाठशाला। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये तो पता है कि डोमेस्टिक इनकम वैल्यू एडेड के बराबर होती है, बट वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डोमेस्टिक इनकम वैल्यू एडेड के बराबर क्यों होती है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम के बारे में जानते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम होती क्या है? तो एक देश में जितने भी लोग काम करते हैं, वेदर दे आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उनकी इनकम को हम ऐड करते हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम होती है। तो डोमेस्टिक इनकम विद इन टेरेटरी होती है, जो टेरेटरी है इसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब इस डोमेस्टिक इनकम को अगर हम समझ गए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने तरह के लोग काम करते हैं। भाई पूरे देश में चार तरीके के काम होता है, एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले हम अगर बात करें लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलती है, वेजेस या सैलरी। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इन चारों फैक्टर्स की इनकम को हम जोड़ दें तो वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, अगर आप बिल्डिंग अपनी खुद के इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने आप को रेंट पे करोगे। अगर आप काम खुद कर रहे हो तो आप वेजेस अपने आप को दोगे। अगर आप अपने पूरे बिजनेस में खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, कैपिटल का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अपने आप को इंटरेस्ट पे करोगे। और अगर आपने पूरे बिजनेस में अपना सारा खुद का ही पैसा लगाया है तो आप सारा रिस्क आप अकेले उठा रहे हो, तो आप प्रॉफिट जो भी लोगे आप वो अकेले लोगे और अपने आप को ही पे करोगे। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, मिक्स इनकम। इसलिए इसमें पांचवा पॉइंट भी ऐड हो जाता है, मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम ये हमारे पांच पॉइंट्स हैं, तो वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम। अब ये डोमेस्टिक इनकम की बात थी, अब हमारा वही सवाल आकर खड़ा होता है कि सर आपने डोमेस्टिक इनकम तो बता दिया, अब ये वैल्यू एडेड के इक्वल कैसे होता है? तो वैल्यू एडेड के इक्वल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। आपको पता है कि वीपी इज इक्वल टू वीए प्लस आईसी होता है। वीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अब इसे हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बोल दो या वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल दो। वीए की फुल फॉर्म क्या होती है, वैल्यू एडेड, और आईसी क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब मुझे इसको प्रूफ करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले को समझाना होगा कि मुझे इसको प्रूफ करने के लिए कि डीपी वीए के बराबर कैसी होती है, तो मुझे उससे पहले इस फॉर्मूले को समझाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले अगर मैं आईसी को लूं, इंटरमीडिएट कंजप्शन को लूं, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो बिजनेस के अंदर, यानी फैक्ट्री हो या कोई भी बिजनेस हो, वहां पर अगर प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर हम जितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और वो रिसोर्सेज अपना एग्जिस्टेंस लॉस्ट कर देते हैं, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। एक मूवी थी आज की 2, उसके अंदर जो एक्टर होता है वो एक्ट्रेस के लिए अपने आप को खो देता है, यानी अपने आप को लॉस्ट कर देता है। वैसे तो एग्जाम्पल इसमें वैसे सेट नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ कि उसने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया उसको बनाने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए, तो एक तरीके से वो इंटरमीडिएट गुड्स है। एक और डायलॉग सनी देओल का, ये लोहार का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। अब यानी जो लोहा है वो इंटरमीडिएट है और सनी देओल जी क्या कर रहे हैं, उस लोहे को पिघलाकर मेल्ट करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन कह रहे हैं लेकिन जो लोहा है वो मेल्ट हो गया और वो खो गया। एक स्वीट शॉप है आपकी जिसमें आप मिठाइयाँ बेचते हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि उसमें आप समोसे भी बना रहे होंगे, तो समोसे के एग्जांपल लेते हैं कि आपने समोसे बनाए। अब जब आपने समोसे बनाए तो उस समोसों में आपका रॉ मटेरियल क्या क्या आ गया जो अपना एग्जिस्टेंस खो दे, है ना? एक तो आलू, ठीक है ना, मसाले, खैर मैंने कभी नहीं बनाए लेकिन आप तो बनाते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। समोसे में क्या क्या इस्तेमाल होता है, आलू, ठीक है ना, और भी मसाले, पता नहीं समथिंग, और फिर जो भी समोसे में आपको दिखता है वो सब मिलाकर, क्या आप समोसों को आलू बोलते हो, क्या आप समोसों को मसाले बोलते हो, क्या आप समोसों को मैदा बोलते हो? आप समोसे को समोसा बोलते हो। तो समोसे के बनाने में आलू ख़त्म हो गया, ठीक है ना, मसाले ख़त्म हो गए, उस समोसे को बनाने के लिए, एक समोसे को बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया, आलू ने, मसालों ने, मैदे ने, और ऑयल भी इस्तेमाल किया गया, गैस भी इस्तेमाल की गई, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ की गई, ठीक है ना। तो ये सारे इंटरमीडिएट होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इन सब का खर्चा मान लो
जो समोसे बना रहे हो, मिठाइयाँ बना रहे हो, मान लो ये आपका सारा रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स आपके 40,000 के, तो ये कितने के हैं? 40,000 के। तो आपको चार फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप घुमा दोगे और समोसे बन जाएंगे, ठीक है, या रोबोट आकर बना देगा। आपको इन चार फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आलू का होना, मसालों का होना या मशीन का होना जरूरी नहीं, इन चार फैक्टर्स की जरूरत है। अब ये चार फैक्टर्स क्या हैं? लैंड, जहां पर आप प्रोडक्शन करोगे। लेबर, कौन बनाएगा भाई, हो सकता है आप खुद हो या आप हायर करो, तो लेबर। फिर उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का मतलब यही जो आपने मशीनें लगाई होंगी, या मतलब जैसे चूल्हा, सिलेंडर, व्हाटएवर, ठीक है ना, और ये आपका जो भी शॉप्स में ज़रूरत पड़ती है कैपिटल, ये सारी हमारी कैपिटल होती है। फिर उसके बाद आप खुद, जो रिस्क को बियर करेगा, लॉस होगा तो भी उसे मिलना है और प्रॉफिट होगा तो भी उसे मिलना है। तो ये चार फैक्टर्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका प्रोडक्शन तैयार हो गया, आपकी मिठाइयाँ तैयार हो गई, आपके समोसे तैयार हो गए, तो मार्केट में आप ये कितने का बेचोगे? 40,000 का नहीं, ज़्यादा का बेचोगे ना आप, शायद यही बोल रहे होंगे, ज़्यादा का बेचेंगे सर, तो ज़्यादा का कितना बेचोगे? 40,000 से ज़्यादा का बेचेंगे। अब 40,000 से हम कितना ज़्यादा बेचें, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। लैंड की मैं कॉस्ट ऐड करूंगा एज अ रेंट, लेबर की कॉस्ट मैं ऐड करूंगा एज अ वेजेस, कैपिटल की कॉस्ट मैं ऐड करूंगा एज अ इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट मैं ऐड करूंगा एज अ प्रॉफिट। तो इन सब की कॉस्ट मिलाकर, मान लो ये सब मिलाकर हमारा हो गया 60,000। तो 40,000 का तो हमारा इंटरमीडिएट था जो इन कॉस्ट में ऐड नहीं था, तो 40,000 प्लस 60,000, अब जो मेरे पास मिठाइयाँ, अब जो मेरे पास समोसे तैयार हो गए, वो 1,00,000 रुपए के हो गए। यानी 40,000 के अंदर 60,000 मैंने ऐड कर दिए, तो 40,000 में कितने रुपए ऐड किए? 60,000, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। तो 60,000 मैंने ऐड करे तो ये वैल्यू एडेड है, और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 1,00,000। तो कितने रुपए ऐड हुए? 60,000। 40,000 क्या था? इंटरमीडिएट। तो 60,000 जो ऐड हुए, किसकी वजह से ऐड हुए? फोर फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों फैक्टर्स की इनकम को ऐड करेंगे तो ये भी डोमेस्टिक इनकम थी। अब आगे अगर मैंने अब जो बताया आपको कि जो वैल्यू एडेड है वो किसकी वजह से है, चार फैक्टर्स की वजह से, इसलिए हम इसको फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये भी वैल्यू एडेड जो आई है वो किसकी वजह से आई है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसलिए वैल्यू एडेड डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बात यह आती है कि सर ये आपने प्रूव कर दिया तो वीपी को हम डीपी के बराबर क्यों नहीं कहते? क्योंकि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, इसके लिए हम वीडियो लाएंगे जल्दी।